हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं दीपिका, दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल से। तो फ्रेंड्स, अभी विंटर सीजन चल रहे हैं, तो विंटर में अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है वो बताने वाली हूं मैं। एंड मैं सेल्फ करने वाली हूं, जो सेल्फ करना चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं। वैसे विंटर में अगर आप बिना स्टीम के कुछ भी करते हो अपनी स्किन में, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा स्किन डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो स्टीम के साथ मैं करने वाली हूँ स्क्रब। तो सबसे पहले मैं स्टीम ले रही हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि सिर्फ स्क्रब किया है, तो एक से डेढ़ मिनट स्टीम ली है। उसके बाद मैंने स्क्रब की है। स्क्रब करने के बाद फिर से मैंने स्टीम ली है। तो स्टीम लेने के बाद फिर से मैं मसाज दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छे से स्टीम लेना है, एक से डेढ़ मिनट स्टीम लेना है अच्छे से। और मैंने बीच में पानी यूज़ नहीं किया है। जब भी हम फेशियल करते, स्क्रब करते, कुछ भी करते तो पानी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कोई भी पानी यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं, सिर्फ मैंने स्टीम ली है। स्टीम लेने के बाद पूरा फेस गीला हो जाएगा आपका भाप से, और आपके स्किन के जो पोर्स है वो खुल जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने स्टीम कर लिया है एक से डेढ़ मिनट तक। और यहाँ पे मैंने लिया है गोल्ड का स्क्रब, जो मैं अधिकतर ये गोल्ड का ही करती हूँ, तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं ले लेती हूँ, ये देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे आप क्लीन के लिए हॉट वाटर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं लिए, क्योंकि स्टीम ले रही थी। उसके बाद स्क्रब करना है। स्क्रब से हमारे स्किन के जो डेड स्किन है वो रिमूव होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। तो वीकली भी कह सकते हो आप, क्योंकि मैं वीकली भी कर रही हूँ, वीकली स्क्रबिंग में करती हूँ, वीकली क्लीनअप में करती हूँ, तो वीकली स्क्रब भी कह सकते हैं। एक्चुअली मैं वीकली ही कर रही हूँ सेल्फ अपना। तो मैंने सोचा विंटर के लिए मैं स्क्रब करना कैसे फ़ायदेमंद रहेगा वो मैं बता दूँ। तो जैसे भी आप जब भी करते हो, तो स्टीम के साथ आप स्क्रब कर सकते हो। उसका बहुत ज़्यादा स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप स्टीम लेते हो तो स्किन के जितने भी डेड स्किन है वो सारे रिमूव हो जाते हैं स्क्रब के साथ। स्टीम अगर आप अकेले लेते हो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, स्क्रब अगर आप अकेले लेते हो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो स्टीम के साथ ही लेना है। एंड यहाँ पे मेरा लिप्स काफ़ी टाइम से थोड़ा सा लिप्स भी ड्राई हो रहे थे, तो साथ में मैंने इस लिप्स भी स्क्रब कर लिए हैं। साथ में जो लिप्स के स्किन होते हैं वो भी ड्राई होके वो भी निकलते हैं, तो उसे भी स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप फेस के साथ करो, चाहे आप अलग से करो। तो देखिए, यहाँ पे स्क्रबिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने पानी यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ, इस स्टीम से ही कर रही हूँ, क्योंकि स्टीम मेरे फेस को चाहिए। और उसी स्टीम से मैंने अपने फेस को पूरा अच्छे से गीला किया है। उसके बाद फिर से मैं ये स्टीम लेने के बाद फिर से मैं स्क्रब करूँगी। तो ये देखिए, बस इतने सा है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया है, एक्स्ट्रा कोई क्रीम नहीं, कोई जेल नहीं। ये वीकली स्क्रबिंग है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और स्क्रबिंग आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जो पसंद है, आपके स्किन के लिए जो सूटेबल है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोल्ड का ही लिया है। स्टीम भी अच्छे से लेना ज़रूरी है, जल्दबाजी में आप ना करें। आपके पास कम से कम 5 मिनट तो होना चाहिए स्क्रबिंग के लिए, क्योंकि 3 से 4 मिनट तो हम स्क्रबिंग को देंगे ही, तो साथ में स्टीम भी देना है। इसी बीच में आपको सब कुछ मैनेज करना है, ज़्यादा टाइम भी हम नहीं दे सकते हैं। तो स्क्रबिंग भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा डेड स्किन हो जाते हैं, उसे रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरह से आप कह सकते हैं, हमारे स्किन की जो ऊपरी परत है उसे हम रिमूव करने की पूरी कोशिश करते हैं, और अंदर के जो सेल्स है उसे हम जगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर वो सेल्स जाग जाएंगे तो आपके जो ऊपर की स्किन में जिस तरह की भी प्रॉब्लम आती है, जितनी भी प्रॉब्लम आती है, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती है। अगर आप स्क्रबिंग टाइम टू टाइम करते रहोगे, कंटिन्यू करोगे, तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। आपके स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर आप वीकली कंटिन्यू करते हैं तो आपके स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। खासकर जो पिगमेंटेशन है, जिनकी पिगमेंटेशन है, उनको तो ये ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि स्किन की जो ऊपरी परत है उसे हटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर न्यू हो तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एंड थैंक यू।